सो हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी भाजी, और आज हम लोग फिर से आए हैं चांदनी चौक में। लास्ट संडे को आप लोगों ने दिल्ली की सर्दी का पहला एपिसोड देखा था, जिसके अंदर हम लोग दिल्ली को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हर संडे एक नया एपिसोड आता है, वेजी भाजी डेली लिखेंगे तो सारे एपिसोड्स आ जाएंगे अभी तक जो भी दिल्ली के डले हैं। फिलहाल मेरे पीछे है पहली दुकान, जो है जंग बहादुर कचौड़ी वाला। यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है चांदनी चौक में कि थोड़ा सा साइड में आके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर आराम से जाके आपको कचौड़ियाँ दिखाएंगे। इस वीडियो में हम लोग कचौड़ी खाने वाले हैं, थोड़ा सा अच्छा खाना दिखाने वाले हैं, और थोड़ी सी दिल्ली की सच्चाइयाँ दिखाने वाले हैं। दिल्ली की मतलब मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा अच्छा खाना खाने वाले हैं और थोड़ी दिल्ली की सच्चाइयाँ दिखाने वाले हैं। कैसे सच्चाइयाँ? कि मतलब जो लोगों को लगता है बहुत अच्छा है पर नहीं अच्छा, पर जो लोगों को लगता है बिल्कुल नहीं अच्छा पर बहुत अच्छा है। तो हम लोग बहुत सारा काम करने वाले हैं इस वीडियो में, मैं और इशप्रीत। इशप्रीत को आपने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करा, यहाँ पे लिंक सारे होंगे। इशप्रीत को आपने मुंबई की सीरीज़ में देखा था, वेजी भाजी मुंबई लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। इशप्रीत, कचौड़ियाँ खाइए, कैसी लगती है? ठीक लगती हैं, यहाँ की खा के देखते हैं। आज आपको हींग वाली कचौड़ी खिलाते हैं, खट्टी मिट्टी चटनी के साथ नज़रिया बदल जाएगा कचौड़ी का। जंग बहादुर कचौड़ी वाला, अब पता नहीं क्या क्या जंगें लड़ी हैं उसने कचौड़ी खिलाने के लिए, पर बहुत स्वाद कचौड़ी बनाता है। आइए आपको दिखाते हैं। अभी मैं थोड़ा साइड में आगे बना रहा है क्योंकि भीड़ तो चांदनी चौक में समझ ही गए होंगे, बहुत है, भयानक भीड़ है। आइए दिखाते हैं आपको। चलो जी, ट्राई करिए, देखते हैं आपको पसंद आती है जंग बहादुर की जी कचौड़ियाँ। हरी मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े, बारीक बारीक, आलू की सब्ज़ी के साथ एक खट्टा, एक और चटनी सी होती है, और कचौड़ी क्रश करके एकदम करारी, और अंदर दाल की भुट्टी, जो इसका टेस्ट है ना, आप ही बताइए। अब स्पाइसी है ना, क्यों वो तो चटनी स्पाइसी, आलू की सब्ज़ी स्पाइसी, उसमें हरी मिर्च बारीक डाली है, ज़्यादा स्पाइसी है। तो भाई इशप्रीत को ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगी। फिलहाल तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ है कि अगर आप बिल्कुल तीखा नहीं खाते तो आपको थोड़ी स्पाइसी लग सकती है। हींग वाली कचौड़ी रहती है, हल्की हल्की सी स्पाइसी सी आलू की सब्ज़ी रहती है, मज़ेदार, और उसके अंदर मिर्च और धनिया, मस्त। 20 रुपये की हाफ प्लेट, 35 रुपये दी फुल प्लेट। मिर्चा खा ली होगी तूने, उसमें ना दाल की मिट्टी और वो ना क्रश करके दिए पूरी, आलू के साथ एकदम थिक बन चुके हैं। जो मिर्च है ना, आप आओ ना यहाँ पे खाओ तो उनको बोला मिर्च मत डालें, जो बारीक बारीक डालते हैं ना हरी मिर्च वो ना डालें, उससे तीखा लगता है, क्योंकि मिर्च का कोई पता नहीं कौन सी मिर्च तीखी निकल जाए कौन सी ना तीखी निकले। मिर्च खा रहा हूँ तो तीखी है, मिर्च अगर हटा के खाओ तो बढ़िया पैकेज है, अच्छा पैकेज है। फिलहाल हम लोग इस कचौड़ी को एंजॉय करते हैं। एकदम खस्ती खस्ती, अभी फ्रेश बैच निकला, एकदम करारा करारा बैच, इसको एंजॉय करते हैं और उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं एक ऐसे दही बल्ले। मतलब हम लोग उस जगह के दही बल्ले और टिक्की दोनों फेमस हैं, बट हम लोग टिक्की खाने वाले हैं, आपको खिलाते हैं, दिखाते हैं क्या है उसमें ऐसा। नटवर लाल नटराज नहीं भाई, बिल्कुल पता, जाके देखते हैं क्या है उसमें। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से अगर आप अंदर चांदनी चौक की तरफ आओगे ना, गली की तरफ आओगे, तो आता है नटराज दही भल्ले वाला, बहुत ज़्यादा फेमस है। 10-15 मिनट लाइन में लग के वेट कर कुरा के 50 रुपये की 2 टिक्कियाँ लिए। पहले आप पास में आओ, आपको मैं टिक्की की हालत दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी थोड़ी इशप्रीत ने टेस्ट करी थी और उसको ठीक ठीक लगी थी टिक्की, तो पहले जली हुई है। कुछ ऐसी जगह होती है जो आपको शायद पसंद ना आए, जैसे अभी मैं आप लोगों को अगली जो चीज़ दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा पराठे वाली गली। पराठे वाली गली ना ऐसी जगह है जो आपको ना एक सोच के साथ जाना पड़ता है, तो वो बहुत अलग टेस्ट है, आपको पसंद आएगा, बट आप वो सोच के साथ जाओ। ये वो चीज़ है जो आप किसी भी सोच के साथ चले जाओ आपको ठीक है ही लगेगी। जैसे मैंने आपको लास्ट संडे दिखाई थी अशोक चाट भंडार की भल्ला पापड़ी, उसका स्टैंडर्ड था हाई क्वालिटी, दिस इज़ एवरेज क्वालिटी,
मेरा मानना क्या है, बहुत कुछ सालों पहले तक ये बहुत अच्छी होती थी, बट ओवर द ईयर्स कुछ कुछ जगहों की क्वालिटी डिग्रेड होती है ना, ये उनमें से एक जगह है। मेरा एक वियर्ड दोस्त था, वो उसकी अलग ही फिलॉसफी थी लाइफ में। वो कहता था मैं नटराज की तभी खाऊंगा जब वो अंकल, एक वहाँ पे एक अंकल बैठते हैं, उनके शर्ट के दो बटन खुले रहते हैं ऊपर के और वो खुजली करते रहते हैं, वो जब बैठते हैं तो अच्छी बनाते हैं टिक्की। वियर्ड ऐसे दोस्त है आपके, कोई आपके ऐसे दोस्त है तो कमेंट करके बताना उनकी क्या कहानी है। वो वियर्ड ही बंदा था, मैं उसके साथ जब भी गाऊँ ना उसको कभी वो खुजली वाले अंकल नहीं बने। फिलहाल तो इनकी टिक्कियाँ ट्राई करते हैं। वाओ फैक्टर नहीं है उसमें, है ना। मेरे को एक्चुअली ना इश्प्रीत को ट्राई करनी थी, मैं उसको समझा रहा था कि ये टिक्की मुझे क्यों नहीं पसंद। मैंने बोला सिंगल पीस है, कह रहे नहीं दो ही पीस है। मैंने बोला आज जा 50 रुपये गए मेरे। ये क्या होता है ना कि हर किसी की प्रेफरेंस ना पसंद ना पसंद होती है। ये टिक्की बुरी नहीं है, खा सकते हो, पर मुझे नहीं पसंद। चलो अब कुछ अच्छा खाना खिलाते हैं आपको। मतलब ये ना वही जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे शादी वाली टिक्की है। चलो भाई ठीक है, कोई नहीं, सबके पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं। हम लोग वीडियो में बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड से रहते हैं। मेरे हम्बल ओपिनियन में मुझे ये टिक्की पसंद नहीं आई, आपको शायद आ सकती है। फिलहाल हम लोग अपने ओपिनियन में बढ़िया चीज़ खाने जा रहे हैं, परांठे वाली गली। परांठे वाली गली और अक्षय कुमार का क्या ताल्लुक आता बता? अक्षय कुमार याद नहीं, ध्यान नहीं। चांदनी चौक टू चाइना, ओके। अरे जी, कैसा लग रहा है आपको करेला वाला पराठा खाते हुए? खाएंगे खाएंगे। क्या 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 खोल खोल देख, कैसे क्या डाला है करेले में? तो स्टफिंग तो अच्छी है, खुशबू अच्छी आ रही है ना। ये आलू मेथी है, ये सीताफल है, आलू मटर है, सीताफल केले की, और ये जो आपके पुदीने वाली चटनी होती है ये आलू मेथी की चटनी है, और आलू मेथी सब्जी है, और एक करेले का पराठा है जो आप खा रहे हैं अभी। पराठा बहुत ही ज़्यादा फ्लफी है, अच्छा है ना, बढ़िया टेस्ट है। बॉम्ब इन अ सेकेंड। क्या एक सेकेंड बॉम्ब भी अच्छा लगा मतलब? अगर नहीं बट ये डिफरेंट टेस्ट है, अब ये एक्सपेक्ट करके नहीं आते हैं, तभी लोगों को शायद डिसअपॉइंटमेंट होता है। अब ये वाला पराठा खोल, ये खुरचन है सारा, ये दूध को काढ़ काढ़ के उसकी मलाई बनाती है, मलाई को स्टैक कर करके पराठे के अंदर डाल के खुरचन पराठा। इसको खा केले की चटनी के साथ, मज़ा आएगा। खुरचन दे, खुरचन दे, एक गार्लिक ब्रेड जैसे ऐसे बना रखा है ना पूरा, डोमिनोज गार्लिक ब्रेड जैसे। हाँ अच्छा लगेगा, गुड कॉम्बिनेशन। तो अभी हम लोग आए हैं पराठे वाली गली में, और हम लोगों ने दो अलग अलग टाइप के पराठे लिए हैं। एक यहाँ पे ना खुरचन पराठा मिलता है जो मेरा फेवरेट है यहाँ पे, तो वो तो लिया ही। अब यहाँ पे ना एक रूल है कि आपको दो पराठे लेने हैं, जो मुझे चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आई कि अब लेने हैं तो लेने हैं, तो हम लोगों ने सोचा दूसरा विचित्र प्रकार का पराठा लेते हैं, तो हम लोगों ने लिया करेला पराठा। ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था करेले वाला पराठा खाऊंगा, पर आज यही नहीं सोचा था करेला खाऊंगा। फ्राइड है और करेले का कड़वाहट नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्की हल्की, जितनी अच्छी लगे ना। अरे खुरचन वाला तो मेरा फेवरेट है। यहाँ पे क्या ये ना पराठे जो है देसी घी में फ्राई करते हैं, उससे एकदम बढ़िया क्रिस्पी आती है, क्रिस्पीनेस आता है, करारा बनाता है पराठों में, तो अच्छा लगता है। अब क्या है ये पराठे तवे वाले पराठे नहीं है, तो हम लोग सोच के आते हैं पराठे वाली गली में तवे वाले पराठे मिलेंगे तो हम लोगों को अच्छे नहीं लगते। अगर आप इस सोच से आओ कि ये फ्राइड पराठे हैं, आपको मज़ा आएगा। आलू वाला मत खाना वहाँ पे, उसमें मज़ा नहीं, इसमें मज़ा है। उल्टे सीधे खाओ, यहाँ पे भिंडी पराठा है, करेला पराठा है, मटर पराठा है, ये पराठा वो पराठा, भाई बहुत सारे पराठे हैं। फिलहाल हम लोग इसको केले वाली चटनी के साथ खुरचन पराठा। लोग बोलते हैं हमें पराठे वाली गली ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद, पंडित गया प्रसाद, गया प्रसाद पराठे वाले पे है। पराठे वाली गली में तीन चार पराठे वाले हैं, जो मेन वाला है
वो गया प्रसाद है, उसके भी हम लोग पराठे खा रहे हैं जो बहुत कमाल के हैं। ख़त्म करते हैं और आपसे बाहर जाके बात करते हैं। फिलहाल आई एम रियली इन्जॉइंग दिस। आलू मटर मैं नहीं खाने वाला, तो ही खाइए। ये बढ़िया मेथी, मेथी वाले एकदम बढ़िया, बट मेथी वाले बेस्ट है, बेस्ट है। अब यहीं से आते जाते इतनी भीड़ है, लोग पैर पे चली जा रहे हैं, चढ़ी जा रहे हैं, कार्ड्स चढ़ी जा रही है, यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये ना एक सीरीज़ चल रही है दिल्ली की सर्दी, हर संडे दिल्ली का खाना दिखा रहे हैं आपको। अभी चांदनी चौक में कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया अड्डे खा रहे थे, अगली बार शायद कुछ और खाएँ, कुछ और बढ़िया चीज़ें खाएँ, बट एक चीज़ जो कॉमन रहेगी ना वो दिल्ली की सर्दी रहेगी। तो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको दिल्ली का खाना कैसा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दिल्ली की सर्दी सीरीज़ इज़ ऑन। साथ में अभी जोधपुर सीरीज़ चल रही है, जो वो भी बड़ी ताबड़तोड़ स्पीड से चल रही है। आगे और आने वाले कुछ महीनों में और अलग अलग जगहों का खाना आएगा, तब की बात तब करेंगे। और वेजी पाजी डेली लिख के डेली का बाकी सारा खाना आप देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बढ़िया खाना खाते वक्त। कुचन पराठा।